नमस्कार, राधे राधे, भारत की जनता। मैं शांतवना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं चमन महल। आज है संडे और मेरा है ऑफ, तो मैं और मेरी छोटी बहन जा रहे हैं चमन महल भोपाल का। आपको पूरा चमन महल एक्सप्लोर कराएंगे। फिलहाल हम निकलते हैं, कुछ कन्वीनियंस देख रहे हैं मिल जाए तो, क्योंकि वहां तक कैब बुक कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि लोकल से जाए, लेट सी क्या होता है। 5 बजे तक बंद हो जाएगा चमन महल, तो हम निकलते हैं। तो मैं और मेरी छोटी बहन निकल गए हैं इस्लाम नगर के लिए, जहाँ पे हम जा रहे हैं चमन महल घूमने के लिए। तो रास्ते में सबसे पहले हमने मिनाल से लिया ऑटो और हम गए अयोध्या बाईपास 10-10 रुपीज़ में। फिर 15 रुपीज़ में हम आए करोद तक। करोद से फिर हम चेंज करके जा रहे हैं बुक्ड ऑटो में 80 रुपीज़ में, और लौटने के लिए भी हमने बुक कर लिया 130 रुपीज़ में। शाम के बज चुके हैं 4:30। उम्मीद तो बहुत कम है कि हम प्रॉपर फोर्ट घूम पाएंगे, पर हम आ गए हैं फोर्ट। ये है उसका फ्रंट गेट, और 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ का चार्ज, और ये मॉर्निंग 10 to 5 इवनिंग तक ओपन रहता है। डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी कब से लेके कब तक ओपन रहता है। तो इसे दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था 1715 में। यहाँ पे सबसे स्पेशलिटी, यहाँ पे 12 गेट्स बने हुए हैं। बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना, ये ऐतिहासिक एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है, पर इसे वेल मेंटेन नहीं किया गया है। पर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होता है, आप चाहें तो फैमिली के साथ यहाँ पे पिकनिक भी आ सकते हैं। जिसको फोटो शूट या वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं, बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो भी लोग भोपाल में रह रहे हैं, भोपाल से बाहर हैं, कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो आप अपना पर्सनल व्हीकल को लेके आएँ, क्योंकि ये थोड़ा आउटर में 11 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम भोपाल, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है व्हीकल जाने के लिए। तो अपने पर्सनल बुकिंग से आएंगे तो बहुत आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होता है, मूवीज़ भी बहुत सारी बनी हैं, सीरीज़ में भी इसको लिया गया है, क्योंकि ये भोपाल जो है वो मुगल्स का है, और ये मुगल्स और मालवा की पूरी रेड स्टोन से बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर्ड फोर्ट है। तो कुछ यूनिक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो आके बिल्कुल। और फिर हम यहाँ से निकल गए वापस, क्योंकि 5 बज चुके थे, हम 4:30 बजे तो फोर्ट के अंदर आए थे, आधे घंटे में हम घूम के वापस निकल गए क्योंकि हमने ऑटो बुक करके लाए थे। और अभी हम ऑन द वे है, तो इन मतलब खेतों को देख के मुझे चीज फील हुई कि यार इंसान को हमेशा गांव से जुड़े रहना चाहिए। एक रैंडम थॉट मेरे मन में आया, सोचा आपसे शेयर करूं कि इंसान को हमेशा गांव से या ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये एक नेचुरल चीज़ है, हमेशा हमें ना डाउन टू अर्थ रखती है। मेरा मूड काफ़ी ख़राब था, बट मैंने सोचा ठीक है, जो होना था वो हो गया और हर चीज़ तो डिस्टाइंड है, तो शायद ये भी एक पार्ट था कि हम इतने लेट गए और हम जल्दी जल्दी वहाँ से वापस आ गए। पर सनसेट को देख के बहुत ज़्यादा काम फील हुआ और हम दोनों बहन वापस निकल गए। ये करोद का मेन जो चौराहा है वो कह सकते हो आप। और इसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन ने अमृतुल्य में चाय पी और काफ़ी अच्छा लगा। चाय यहाँ के आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन यहाँ से फ़िश लिया हमने, जो कि मिनाल स्ट्रीट में ही है। शॉप का एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़िश के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फिश से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ मिल जाएगी। साथ में इन्होंने लवबर्ड्स भी रखे, वो भी आप परचेस कर सकते हो। और हम निकल गए अपने घर की तरफ वापस। हम घर आ गए हैं वापस और हम लाए हैं अपने घर में एक नया मेहमान। तो हम दो फिशेस लेके आए हैं और मैं आपको शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगी, जिस शॉप से हमने लिया है दोनों फिशेस को। फिलहाल दो फिश लेके आए हैं, आई होप कि दो फिश सर्वाइव कर पाए तो हम और फिशेस लेके आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब एक्वेरियम में रखना। और हम उनके लिए क्या लेके आए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उनका खाना है और ये पंप है और इसमें ये दो फिशेस हैं। अभी ये बाउल मैंने साफ़ किया है, इसमें अंदर मैं पानी में डाल रही हूँ फिशेस। इसमें ना हर चीज़ प्लांट 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 नहीं होती, आपको बहुत कुछ अनप्लान भी करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल अनप्लान था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं फ़िश लूँगी, पर ले के आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई विश कि बहुत अच्छे से सर्वाइव करें, बहुत अच्छे से रहें और हम इनका ध्यान रख पाएँ। ये आई है दोनों नई नई मेहमान और ये उनका पंप हमने लिया है ऑक्सीजन के लिए। बहुत ही प्यारी लग रही है। इनका नाम हमने रखा है हनी मून। ये हनी है, वो मून है, दोनों सिमिलर है एकदम। मैं और मेरी छोटी बहन घर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दे दिया है, अभी हमने फिश का पूरा अरेंज किया है, वो भी मैं आप ब्लॉग में भी देखोगे आगे। तो आज हमारा प्लान है, संडे है तो हम बाहर ही खाना खाने जाने वाले हैं। और अभी डिसाइड करें हम कहाँ जाएंगे, टबर वे टबर हाउस है एक, वहाँ जा सकते हैं या फिर हम जाएंगे सागर गेट। तो जहाँ भी हम जाते हैं आपको पूरा फूड का प्रॉपर ब्लॉगिंग करके मैं दिखाऊंगी कैसा है वहाँ का फूड का टेस्ट।
सो स्टे ट्यून गाइस। मैं हो गई हूँ वापस से रेडी निकलने के लिए बाहर। हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, जो मैंने आपको बताया था। ये मशीन बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही है। ये ब्रीथिंग के लिए बताया कुछ कि फिशेस के लिए मशीन है, तो उससे उसे जो है वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाएंगी, पर बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है। ठीक है गाइस, तो मैं वापस से वही ड्रेस मैंने अभी पहना है, मैंने चेंज नहीं किया अभी। ड्रेस का प्राइस मैं आपको बताऊँगा, बिलीव नहीं करोगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मीशो से लिया है। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में अपने बताऊँगी। अभी हम निकलते हैं बाहर खाने का, देख रहे हैं कहाँ खाना खाना है। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाना कहाँ है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया घर के पास में है टेस्ट ऑफ पंजाब, यहाँ पे देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर किया है मैंने स्पेशल थाली और 175 की, अभी देखते हैं खा के उसमें क्या क्या है और कैसा है। ये रायता है, ये पापड़ है और ये रसगुल्ले और ये सैलेड है, ये है राजमा, ये है दाल फ्राई, ये मिर्ची की चटनी, ये है चावल और ये है लच्छा पराठा, नहीं सॉरी तंदूरी रोटी है। यहाँ सो गाइज हम आए हैं टेस्ट ऑफ पंजाब आज, और मैंने खाने में ऑर्डर किया था स्पेशल थाली जो 175 रुपीज की थी, तो इसमें दिया है मुझे 4 कुलचे और 1 ही लच्छा पराठा। हाँ हम आ गए हैं घर वापस और आज बहुत ज्यादा हेक्टिक दिन था। बोलते हैं संडे है तो आज आराम करेंगे, पर संडे के दिन और ज्यादा काम होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फाइनली अब थोड़ा अभी मेरा काम बाकी है, बेडरूम में कपड़े थोड़ा अरेंज करना है, वो करके फिर मैं करूँगी आराम। सो गाइज ये है हमारे कपड़े और इनको अरेंज करना है इन रैक्स में, रैक की हालत आप देख ही सकते हो। ये है मेरी छोटी बहन, बिल्कुल मदद नहीं कराने वाली क्योंकि इसको ये आता नहीं है, अब मेरे करना ये अरेंज देख के घबराहट हो रही है, पर करते हैं। सारे मैंने पूरे अरेंज कर दिए हैं दोनों रैक्स में। पहले तो मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ट्राई किया कि ब्लॉगिंग करूँ पर रोज़ रोज़ का मैं नहीं एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी है, साथ में जिम भी शुरू किया है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवनिंग का जिम रहता है, वहाँ से आने के बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब होती है, ऐसा लगता है खाना खाऊँ और आराम करूँ। तो जितना भी से हो पाएगा, जब जब मुझे मौका मिलेगा, मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और उसे एडिट करूँगी और आप सभी को कोशिश करूँगी एंटरटेनमेंट देने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बहुत कम मेरे को दिख रहा है कि मेरे चैनल में व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओनली 259 आई गेस। और मैंने ब्लॉगिंग बहुत टाइम से शुरू कर दी है, तो गाइज आपको कुछ लग रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टेक है या कुछ और अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ करती हूँ मैं अपना डे एंड, जय हिंद जय भारत।